का जवाब जरूर लूंगी उससे, पूछूंगी उससे कि उसको किसने हक दिया मेरे दिल के साथ इस तरह खेलने का। नहीं रहता, अब किसी बात की कोई गुंजाइश नहीं रहती। और वैसे भी मैं शहीद से वादा कर चुकी हूँ, उसको मैं तोड़ूंगी नहीं। कैसा वादा लिया शहीद से? क्या वादा किया शहीद से तुमने? सजल मेरी बात का जवाब दो, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। वो तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान कर रहे थे, उसी का वादा। और ये बात तुम अपनी दोस्त को बता रही थी? उसको इसलिए बता रही थी क्योंकि उसको अपने फियांसे की बर्थडे प्लान करनी थी और मेरी हेल्प की जरूरत थी। तो मैं उसको ये कह रही थी कि मैं ऑलरेडी वादा कर चुकी हूँ और मैं नहीं आ सकती। तो तुम शहीद से मिलने गई थी? उनकी कॉल आई थी, वो आज आ रहे ना अपने दादी जान के साथ। और कोई बात नहीं है, और मैं वो बात तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी, शहीद खुद बताएगी। मुझे अम्मी के साथ हाथ बटाने नहर करने जा रही। हाँ तो मैं शहीद से पूछूंगी तो वो जरूर बताएंगे। वो बताएं तो बताएं, वादा अमानत होती है, और मैं अमानत में खयानत नहीं करती। शहीद भी पता नहीं क्या क्या प्लान करते रहते हैं। क्यों भाई, किसी को कोई एतराज तो नहीं? अब भला यहाँ किसी को क्या एतराज हो सकता है? और वैसे भी हम तो ये चाहते हैं कि बेटी के फर्ज से जल्द सुपुर्दोश हो जाए और इस फर्ज को ना कुछ उसलूबी से अदा करें। भैया हमसे तो वेट नहीं हो रहा है, 10-15 दिन में आकर हम अपनी बेटी को ले जाएंगे। क्यों शहीद मियां, इससे अच्छी तो बात ही कोई नहीं हो सकती। मैं तो खुद ये चाहता, अंकल अगर इजाजत दे दें तो। जी बिल्कुल, लेकिन थोड़ी सी तैयारी के लिए कुछ वक्त तो दरकार होगा ना। भी कैसा वक्त हामिद अली साहब, हमने आपसे कहा तो है कि जेवर कपड़े से लेकर मेहमानों की खाने पीने की फिक्र सब कुछ आप छोड़। अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया है, बस कमी है तो हमारी इरा बेटी। बिल्कुल सही फरमा रही है बहन जी, दरअसल हम अपनी बेटी को इस तरह खाली हाथ तो नहीं ब्याह सकते ना। वो वैसे भी अगर मैंने इसको खाली हाथ भेज दिया तो मैं कयामत के दिन अपने भाई को क्या मुंह दिखाऊं। चलिए ठीक है, आप जो चाहें अपनी बेटी को दे सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं। बल्कि आप सच पूछें तो हमें इराह के अलावा किसी चीज की ना जरूरत है ना तमन्ना। अरे हम इधरली तो खामखा टेंशन ले लेते हैं। अब देखे ना, इरा हमारी बेटी है, हमने इसे पाल पोस के बड़ा किया है, माशाल्लाह से इस काबिल बनाया इसे। अब देखे शहीद जैसा रिश्ता आया इसके लिए। मैं तो कहती हूँ कि अगर मुराद अली भी जिंदा होते ना तो शहीद जैसा रिश्ता कभी ना ढूंढ पाते इसके लिए। थैंक यू आंटी, आप लोगों को हमारी तरफ से शिकायत का कभी कोई मौका नहीं। तो बस ठीक है, शादी की डेट फिक्स करते और मुंह मीठा करते, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। बस ठीक, फिर हम 2 हफ्ते के बाद आ रहे हैं अपनी बेटी को ले जाने के लिए। आपको जिनको बुलाना है आप बुलाइए, लेकिन भाई हम तो पूरे शहर को बुलाएंगे, आखिर शहीद मियाँ की शादी है, कोई आम बात थोड़ी है। जैसे आपको मुनासिब लगे, और वैसे भी अब शादी की तैयारी कहाँ करनी है। सजल बेटा, बेटा जरा मिठाई लेकर आओ, सबका मुंह मीठा कराए। जी मैं अभी लेके आई।